वंदे मातरम नृत्य प्रतियोगिता के इस ग्रैंड फाइनल प्रोग्राम के अंदर देश के अलग अलग राज्यों से आए सभी प्रतिभावान कलाकार और जिन्होंने अपने अपने प्रदेश की खूबसूरत संस्कृति कला को यहां प्रस्तुत किया, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आजादी का यह अमृत महोत्सव हमारे लोकतंत्र की 75 वर्ष की ये सुखद सफल यात्रा, भारत की विविधता, विशालता और संस्कृति को जोड़ती हुई आज नए भारत के युग में प्रवेश कर रही है। और ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए संकल्प का पर्व है, नए भारत विकसित भारत बनाने का। मैं इस मौके पर सभी कलाकारों ने जिस तरीके की बहुत विशालता और विविधताओं वाली संस्कृति की झलक यहां देखने को मिली और उस झलक के अंदर हम सबको वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा G20 का नारा है, उसकी सफल प्रस्तुति यहां मुझे आज देखने को मिली। हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा विशाल देश, विविध संस्कृति कला हमारी ताकत है। और यहां मंच पर अलग अलग प्रदेश के लोग जिस तरीके से कला के माध्यम से हमारी संस्कृति को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन सबको मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, नृत्य कला एक ऐसी विधा है जो हर उत्सव, हर खुशी, हमारे आध्यात्मिक, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक रहा है। मुझे याद है कि अलग अलग प्रदेशों के अंदर भी, अलग अलग जिलों के अंदर भी हमारी कला और संस्कृति, हमारी नृत्य, हमारी खूबसूरत बहुरंगी संस्कृति की झलक हम सबको एक बहुरंगी भारत का चित्रण करती है। और इसीलिए हमारे प्राचीनतम जीवन पद्धति के अंदर कला, संस्कृति, नृत्य का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आज जो कलाकारों ने जो प्रस्तुति दी है, मैं उन सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जो इस बार प्रतिभागी के रूप में आए, कुछ सफल होंगे, कुछ सफल नहीं होंगे, लेकिन फिर एक नई तैयारी के साथ फिर से हम आएंगे और 26 जनवरी के दिन हमारे प्रदेश की, हमारी कला संस्कृति को देश और दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस मौके पर इस विभाग के मंत्री, पर्यटन कला संस्कृति मंत्री, हमारे मित्र श्री जी किशन रेड्डी जी, मीनाक्षी लेखी जी, रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट जी, सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो कला, नृत्य, संस्कृति के साथ जिस तरीके से आपके साथ मिलकर आपको प्रेरणा देने का काम करता है, करते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आने वाले समय के अंदर भारत की कला संस्कृति प्राचीनतम रूप से भी दुनिया के अंदर भारत की कला संस्कृति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में
ये कला, संस्कृति, ये विविधताएं, ये नृत्य, अलग अलग कथक, अलग अलग चित्र की कलाएं निश्चित रूप से दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगी और विविधता की झलक में एकता की ताकत दुनिया को दिखाएगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।